नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 3.4 पढ़ेंगे, जिसमें हम विलोपन विधि का अध्ययन करेंगे। और अब तक हमने पढ़ा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ज्यामितीय रूप, ग्राफीय रूप और प्रतिस्थापन विधि, और आज हम पढ़ेंगे विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। अब विलोपन नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक चर का या एक चर को विलुप्त करने की विधि क्या कहलाएगी, विलोपन विधि। यानी कि एक चर को विलुप्त करना है समीकरण में से, यानी दोनों समीकरणों में से एक चर को हटा देना है। वो कैसे हटाएंगे देखो। विलोपन विधि एक्सरसाइज एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लो दो समीकरण है। पहला है एक्स प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण एक हो गया। जैसे कि आपने पीछे की प्रश्नावलियों में पढ़ा एक्स माइनस वाई बराबर 5, ये समीकरण अपने पास दो है। अब देखो आप लोगों को एक्स और वाई दोनों चर हैं, दोनों समीकरणों में है, इनमें से एक चर को लोप करना है यानी विलुप्त करना है, एक चर को यहां से हटा देना है। वो कैसे हटाएंगे, इनको घटा देंगे। घटाने से अब देखो आप लोग बोलोगे सर ये पहले से ही चिन्ह चेंज है, चिन्ह चेंज है, घट जाएगा लुप्त हो जाएगा। लेकिन लुप्त हो जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर। अब अपन क्या करेंगे देखो, समीकरण एक से समीकरण दो को घटाने पर, और घटाने पर आपको पता ही है भाई नीचे वाले के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर 10, एक्स माइनस वाई बराबर है 5। अब इनमें से घटाओगे, समीकरण एक में से दो को घटाओगे तो नीचे वाले के जिसको घटा रहे हैं उसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये माइनस एक्स और प्लस एक्स का विलुप्त हो गया, लोप हो गया ना। अब ये प्लस का वाई और प्लस का वाई, कितना वाई हो गया 2y बराबर 5, वाई बराबर क्या आएगा 5/2। आ गया आपके पास आंसर, वाई का मान आपके पास आ गया, तो एक्स का मान भी निकाल सकते हो। अब एक्स का मान यहां पे लिखना है, अब आपको y का मान समीकरण एक या दो किसी में भी रख लेंगे, समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर कर दो, x प्लस 5/2 इज इक्वल 10। समीकरण एक ही है, रख दो भाई x बराबर 10 माइनस 5/2, एक्स बराबर क्या आएगा भाई, एलसीएम लेंगे 2 20 माइनस 5, एक्स बराबर आएगा 15/2। इस प्रकार आपको सॉल्यूशन निकालना है। पहले क्या किया, एक्स को विलुप्त किया यानी एक्स को दोनों समीकरणों में से हटाया, और एक्स दोनों को देखो। अब इसमें देखो दोनों एक्स समान हैं, एक्स और एक्स को समान लेके ही आना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही आप घटाओगे। अब जैसे कि एक्सरसाइज में चलेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक्सरसाइज 3.4 पहला प्रश्न देखो, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल करना है। यानी कि विधियां दोनों 3.3 में लगाया, वो भी 3.4
चार में आप विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, दोनों विधियों का, और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये आपको बतानी, यानी कि आपको अच्छी कौन सी लगी। अब विलोपन विधि है वो ज्यादा एट्रेक्टिव लगेगी आपको, यानी कि ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा डेरिवेटिव करना नहीं होता है। और प्रतिस्थापन विधि में काफी डेरिवेटिव करना होता है, काफी भाषा का प्रयोग करना होता है, काफी कुछ सॉल्व करना होता है। अब पहला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स प्लस वाई इज इक्वल 5, ये समीकरण एक है। समीकरण दो है 2x माइनस 3y इज इक्वल 4, ये समीकरण नंबर दो है, सॉरी ये है भी 4, हो जाता कभी कभी गलती। अब देखो इनमें x के पद समान करने, जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा x और x के पद समान है, ऐसे ही इसमें भी करना है, x के पद समान करने या फिर y के भी, कोई किसी भी चर को समान कर सकते हो, लेकिन आपको आसानी से समझने के लिए या आसानी से आपके क्वेश्चन को हल करने के लिए जैसा आपका माइंड सेट हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी x को करने में आपको ज्यादा आसानी होगी, होगी ना, x को पदों को समान करने में आपको ज्यादा आसानी होगी। अब समान करेंगे तो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x अकेला है, तो किससे गुणा करेंगे, 2 से, और 2 से अकेले x को नहीं करेंगे, पूरी समीकरण को ही गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक को 2 से गुणा करने पर, एक बार के लिए मैं बुक हटा देता हूँ यहाँ से, समीकरण एक को 2 से गुणा करने पर, करो देखो 2 गुणा एक्स प्लस वाई बराबर 5 गुणा 2, यही है ना, देखो 2x प्लस 2y बराबर 10, ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 3। अब आपको लिखना है विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि का पहला पद यही है कि किसी एक चर के पद समान करने, उसके बाद में किसी भी एक समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटा देना। अब अपने पास मेन समीकरण कौन सी होगी, समीकरण 2 और समीकरण 3, क्योंकि समीकरण 1 का तो कोई रोल रहा ही नहीं, इसके 2 से गुणा कर दिया, तो अब मेन समीकरण कौन सी होगी, समीकरण 3। अब समीकरण 2 में से, या समीकरण 2 से 3 को घटाने पर, 3 को घटा देंगे, घटा देंगे तो आपको पता है जिसको घटाएंगे उसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। समीकरण 2 ऊपर लिख देते हैं, 2x-3y बराबर आएगा 4, 2x+2y, समीकरण 3 क्या है, 2x+2y बराबर 10, इसको घटा दोगे तो नीचे वाले का चिन्ह चेंज हो जाएगा, 2x हट गया, ये प्लस का ये माइनस का, ये माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, कितने होंगे भाई, माइनस के 5y इज इक्वल माइनस के 6। अब देखो बराबर के दोनों साइड माइनस है, काट दूं या फिर वैसे ही काट देंगे, भाई बराबर के दोनों साइड अगर माइनस है तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो वाई बराबर क्या आएगा, 6/5, ये आ गया आपके पास वाई का मान। अब आपको क्या करना है, वाई का मान आने के बाद किसी भी समीकरण, समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, समीकरण 3 में, किसी में भी रख देना है आपको मान वाई का, और वो कैसे रखना है, जैसा कि आपने 3.3 में किया प्रतिस्थापन विधि से, समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में वाई का मान प्रति स्थापित करने पर, कर दो, बड़ा ही आसान है ना विलोपन विधि। अब देखो मान आ गए दोनों, x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण एक। अब x प्लस 6/5 बराबर 5, x बराबर क्या आएगा, 5-6/5। अब 5 के नीचे बट्टे में एक मान सकता हूं, मान लिया, 5 और 1 का लेस है 5, 5 में एक का भाग दिया 5, और 5 को 5 से गुणा किया 25, माइनस 5 एक का 5 और 6 का 6, क्या आएगा भाई, 25 में से 6 घटाएंगे
19 बटे 5, x का मान क्या आएगा 19 बटे 5, है ना, बड़े आसान, ये आपका आंसर आ गया, है ना। अब आपको प्रतिस्थापन विधि से भी करना है, प्रतिस्थापन विधि से तो करना है ना आपको, प्रश्न प्रश्न पे कहा है, देखो पढ़ो, विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से, यानी प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है, और आपको देखना है कि कौन सी ज्यादा इजी है। समीकरण लिखो x प्लस, अगर आपको प्रतिस्थापन विधि अगर आती है तो आप स्किप कर सकते हो, अगर नहीं आती तो भी आपको देख लेना है, फिर से समझ लेना है। 2x माइनस में है भाई, हो जाती 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण एक, ये समीकरण, अब समीकरण एक से प्रतिस्थापन विधि में करते थे ना, समीकरण एक से, समीकरण एक से x बराबर क्या हो जाएगा भाई 5 माइनस y, ये समीकरण 3 आ गया, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान, या फिर समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर आपको बताइए भाई, समीकरण एक से अगर x का मान निकाला तो समीकरण 2 में रखेंगे, अगर अगर समीकरण 2 से निकाला है तो समीकरण एक में रखेंगे, तो समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4, अब x की जगह x का मान 2, फिर x की जगह 2, इसके साथ देखो x के साथ गुणा में लिख दो, 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4, अब 2 को गुणा में गुणा कर दो, 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4, 10 उस साइड ले जाए, चलो उसी साइड लेके चलते, माइनस 2 और माइनस 3 माइनस के 5y बराबर 10 माइनस 4, सॉरी भाई ये स्टेप बाद में, -5y बराबर 4 -10, माइनस का 5y बराबर माइनस के 6, वही वही बराबर के दोनों साइड अगर माइनस है तो कट जाएगा, y बराबर क्या आएगा 6/5, 5 कैसे 5y के साथ गुणा में, इसलिए y का मान आ गया। अब y का मान आपको समीकरण 3 में रख देना, समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर कर दो, समीकरण 3 क्या थी आपके पास, x बराबर 5 माइनस वाई, x बराबर 5 माइनस 6/5, अब वही है लैसा ले लेंगे, 5 आएगा बट्टा में करके 25 माइनस 6 बराबर 19/5, एक्स बराबर क्या आएगा 19/5, यही आपका आंसर, ये आया प्रतिस्थापन विधि से। आप पीछे देखो, यही है आपका विलोपन विधि से। अब आपको अच्छी कौन सी लगी वही आपको लिख देना है, अच्छी कौन सी लगी, ज्यादा आसान कौन सी है, विलोपन विधि है। अब जिसको प्रतिस्थापन विधि आती है वो प्रतिस्थापन विधि वाला जो भी पार्ट है वो आप लोग स्कीप कर देना। प्रश्न संख्या 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के समीकरण क्या है, इक्वेशंस क्या है, 3x इसको, हाँ यहां से दिख रहा है, समीकरण एक लिखो 3x प्लस 4y इज इक्वल 10, ये है समीकरण एक, समीकरण 2 है 2x माइनस 2y बराबर 2, ये समीकरण 2। अब बुक को साइड में रख देते हैं, फिर अपना पेपर अच्छे से आ जाएगा और अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे। समीकरण एक को अब आपको पता है, देखो समीकरण एक को किससे गुणा करेंगे भाई, आपको x के पद समान करने,
समीकरण एक को एक्स के गुण पद, देखो आपको दिमाग दौड़ाना है, इसमें दिमाग दौड़ाना है, दिमाग नहीं दौड़ाओगे तो आप ये सवाल गलत कर बैठोगे। या तो वाई के पद समान करो या एक्स के पद समान करो, ठीक है, और ज्यादा आसानी होगी आपको एक्स के पद समान करने पे। अब तीन एक्स को किससे गुणा करें और दो एक्स को किससे गुणा करें कि दोनों का पद समान हो जाए, तब आपको या तो लेस ले लो तीन और दो का, तीन और दो का क्या ले लो, लेस ले लो, तीन और दो का लेस क्या होता भाई, छः। अब छः में तीन का भाग देंगे कितना आएगा, दो, तो पहली समीकरण को किससे गुणा कर देंगे, दो से गुणा करने पर, लिखना पड़ेगा भाई आपको गुणा करने पर। और इसी प्रकार समीकरण दो को किससे गुणा करोगे, तीन से, तो कर दो पहले वाले समीकरण को तो दो से, तीन एक्स प्लस चार वाई, ये दो से गुणा बराबर दो गुणा दस, तीन दुनी छह एक्स प्लस चार दुनी आठ वाई बराबर बीस, ये आगे समीकरण तीन। अब समीकरण दो को तीन से गुणा करने पर समीकरण दो को तीन से गुणा करने पर समीकरण दो क्या है, दो एक्स माइनस दो वाई बराबर दो, तीन दुनी छह एक्स माइनस तीन दुनी छह वाई बराबर तीन दुनी छह, समीकरण चार। अब देखो विचलन विधि से, अब विचलन विधि से या विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से क्या करोगे भाई, समीकरण जिस समीकरण से लिख रहे हो, जिस जैसी आप यहाँ पे भाषा लिखोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको नीचे काम भी करना है। जैसे कि आप अपन निकालेंगे समीकरण तीन से समीकरण चार को घटाने पर, यानी कि तीन में से चार को घटाना है, तीन में से चार को घटाना है, यानी कि समीकरण तीन को पहले लिखना है, छह एक्स प्लस आठ वाई बराबर बीस, और ये क्या अभी छ एक्स माइनस छ वाई बराबर में क्या है, छ, चेंज चेंज कर दो, घटा रहे हो तो छ एक्स से छ एक्स कट गया और ये आठ और छ चौदह वाई बराबर चौदह बचेंगे, बीस में से छह घटाओगे तो वाई बराबर क्या आएगा, चौदह बटे चौदह, चौदह से चौदह कट गया क्या आया, वाई बराबर एक, वाई का मान क्या है अभी आपके पास, एक। अब आपको y का मान आने के बाद आपको वही प्रतिस्थापन विधि काम में लेनी है। अब प्रतिस्थापन विधि से, और वो विधि कैसे लगाओगे, समीकरण एक में y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखो, समीकरण एक क्या थी, तीन एक्स प्लस चार वाई बराबर दस था, तो तीन एक्स प्लस चार वाई बराबर में दस, तीन एक्स प्लस चार गुणा एक बराबर दस, तीन एक्स बराबर दस माइनस चार, चार गुणा एक चार, और चार प्लस का उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, एक्स बराबर क्या होगा, छह बटे तीन, तीन का तीन तीन दुनी छह, एक्स बराबर क्या आएगा भाई, दो, अपने पास ये आंसर हो गया विलोपन विधि से। अब आपको ज्ञात करना है प्रतिस्थापन विधि से, और जैसा मैंने आपको बताया अगर आपको प्रतिस्थापन विधि पीछे वाले प्रश्नावली में समझ में आ रही है तो आप लोग इसको प्रतिस्थापन विधि वाले पार्ट को आप स्किप कर सकते हो, वैसे मेरे को तो समझाना पड़ेगा भाई, और आपके क्वेश्चन में किया भी है, दिया भी है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, अगर आप प्रश्न को हल करोगे तो आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना ही पड़ेगा।
देखो समीकरण एक से प्रतिस्थापन विधि में समीकरण एक क्या है, 3x+4y=10। यहाँ पे लिख देना समीकरण एक से, यही समीकरण एक है, इसको x का मान निकालना है। तो 3x=10 -4y, x बराबर होगा 10 -4y/3, ये समीकरण आपके पास आ जाएगी 3। थर्ड इक्वेशन आ गई। अब समीकरण 3 का मान, 3 का मान समीकरण समीकरण एक से निकाला है x का मान, तो समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 क्या है, 2x-2y=2। रख दो भाई x का मान, 2×10-4y/3-2y=2। अभी हो जाएगा गुणा कर दो, 2 से 3 नहीं कट रहा है तो गुणा कर दो, 20-4×8y/3-2y=2। अब 2y/1 मान लो, 3 और 1 का लैसे ले लो, क्या आएगा 3, तो ये का सेम -8y-3×6y -2। अब इस 3 को उस साइड भेज दो, 20-8y-6y=3×6, 3×2 इस 20 को भी उस साइड भेज दो, 8 और 6 14, -6 14y=6-20, 20+ का था इस साइड जाके माइनस का हो गया, -14y=-14, -6 माइनस कट गया, y=14/14, 14 में 14 का भाग दिया 1, y=क्या आएगा अपने पास, y का मान 1। अब जैसा आप लोग करते आए हो वैसा ही करना है, समीकरण 3 में y का मान, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3rd रखने पर बाय द सब्स्टिट्यूट मेथड क्या कहता है भाई, x=10-4y/3, ये इक्वेशन 3 थी, x=10-4×1/3, x बराबर आएगा भाई 10 में से 4×1 क्या होता है 4 और 6/3, 3 का भाग दिया, x=2 तो यही आपका आंसर है। अगर ये दोनों आंसर इसमें प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में अगर आपके दोनों आंसर अगर समान नहीं आ रहे तो आपने कहीं ना कहीं गलती की है या फिर आपके क्वेश्चन गलत हैं। 2 क्वेश्चन हो गए, अब तीसरा प्रश्न देखो, तीसरे प्रश्न की क्वेश्चन देखो आप, 3x-5y यहाँ पे लिख लेते हैं। 3rd क्वेश्चन, 3x-5y-4=0, 9x=2y+7, ये है भैया आपके। अब आप लोग इससे डरना मत भाई, बिल्कुल भी डरना मत, जैसा अपन ने पहले वाली इक्वेशन देखी थी वैसे ही कर लेना है, या फिर इनको पक्षांतरण करके वैसा ही बना लेना है, यानी इनको अरेंज कर लेना है प्रॉपर मेथड में। अब समीकरण एक को, ये समीकरण एक, ये समीकरण दो, समीकरण एक को चेंज करेंगे, 3x-5y=0, ये इस साइड जाके प्लस का 4 हो जाएगा, ये समीकरण 3 हो गई। अब इसको भी अरेंज कर लो भाई, 9x-2y=7, ये समीकरण 4 हो गए। अब विलोपन विधि में क्या करते हैं भाई, दोनों या x के पदों को समान कर लेते, करने को तो y के पद भी समान कर सकते हैं, लेकिन y के पद आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगेंगे, यानी आपको ज्यादा टफ लगेंगे, आपको करने में कठिनाई होगी, तो आप आसान वाला मेथड अपनाओ ताकि ये बार की बार है, इनको आप लोग जल्दी से कर लोगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, इस वजह से आपको x के बताए। समीकरण 3 को, समीकरण 3 है, इसको किससे गुणा करेंगे भी 9x आ जाए,
तीन से समीकरण तीन को तीन से गुणा करने पर, मल्टीप्लाई बाय थ्री करने पर करोगे, तीन एक्स माइनस पांच वाई इनको गुणा कर दिया तीन से, बराबर चार गुणा तीन, तीन तिया नौ एक्स माइनस 15 वाई बराबर 12। ये आ गई भी अपने पास समीकरण पांच। अब आपको जिसमें से जो आप लैंग्वेज यूज करोगे ना उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। यहां पे लिखोगे समीकरण पांच में से, पांच से चार को घटाने पर। काफी बार कर लिया तीन में से चार को या एक में से दो को घटाने के, फिर अब की बार पांच में से चार को घटाते हैं। देखो समीकरण पांच, 9x-15y बराबर 12, 9x-2y = 7। अब घटाते हैं तो आपको पता है चेंज चेंज हो जाते हैं, कर दिए भी, 9x से 9x कटा दिया, ये बचेगा माइनस के 13y बराबर, ये बचेगा भी 5। अब इसको अगर इजी करेंगे तो आगे देखो, इसको अगर सरल करेंगे तो यहाँ पे कर लेते हैं, -13y बराबर 5, y बराबर क्या आएगा 5/-13, यानी कि y बराबर क्या होगा, देखो y बराबर -5/13। अब y का मान समीकरण एक में रख दो, y का आगे कर लेते हैं, चलो जगह काफी है। y का मान समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर कर दो भाई, वाई का मान समीकरण एक, समीकरण एक क्या थी अपने पास, 3x-5y-4=0, यही थी ना समीकरण एक। अब इसमें y का मान, y का मान क्या आया था, -5/13, तो 3x-5 × -5/13 - 4=0। 3x का 3x, माइनस और माइनस गुणा में प्लस, 25/13 - 4=0। 3x, अब ये प्लस, और देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे अचर पद है, तो जोड़ेंगे कैसे, 13 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, 13 25 - 13 × 5 = 0। 3x - 52 में से 25 घटाएंगे कितने बचेंगे भाई, 27, 27 - 13 = प्लस अभी बराबर 0। 3x = -+ - हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करते हैं, 3x+52 में से 25 घटाएंगे -27/13 = 0, ये क्या माइनस का है, माइनस प्लस से माइनस हो जाएगा, 3x-27/13 = 0। 3x बराबर क्या होगा भाई, 27/13, ये माइनस का उस साइड जाके प्लस का, x बराबर क्या हो जाएगा, 27/13 गुणा में 3, ये गुणा में है तो ये नीचे 13 के साथ गुणा में हो जाएगा भाई, 13 के साथ गुणा में होगा, 3 से कट जाएगा, 3 × 3, 3 × 27। x बराबर क्या आया, 9/13, x का मान क्या है आपके पास, 9/13,
13। अब y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या थी अपने पास, y हाँ आ ही गया अपने पास, y का मान कहाँ है, ये x का ही मान है, x का आ गया, y का मान अपने पास था -5/13 आ गया भाई, यही आपका आंसर है प्रतिस्थापन। अब प्रतिस्थापन विधि से याद करना है अभी आपको, जिसको प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गई हो तो वो स्किप कर देना इस पार्ट को, अब करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, ये आया था विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण लिख देते हैं 3x-5y-4=0, समीकरण एक 9x=2y+7, ये समीकरण दो थी आपकी बुक में, देखो इनको रीअरेंज कर लो, अरेंज करेंगे 3x-5y = में हो जाएगा 4, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगी, 9x-2y = 7 हो जाएगी, ये समीकरण 4 हो जाएगी। अब समीकरण 3 से प्रतिस्थापन विधि में जैसे किया वैसे समीकरण 3 से, 3x=4+5y, ये क्या हो गया भाई समीकरण, x = 4+5y/3 आ जाएगा भाई समीकरण नंबर 5 आपका। अब समीकरण 5 का मान आपको पता ही है, समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, रखो सीधे रख दूं समीकरण 4 में, या लिख देता हूं चलो समीकरण 9x-2y = 7, 9×4+5y/3-2y = 7। अब इसको सरल कर लो, 3 से कट रहा था, 3 × 3 = 9, अब इनको गुणा करके लिख दो, 4×3 = 12+3×5 = 15y-2y = 7, इनको और सरल कर लो, यहाँ पे y का मान आ भी जाएगा, 12 को साइड भेज देंगे और 15 में से 2 गए, 13y = 7-12, अब 13y = कितना है अभी -5, y = क्या आएगा -5/13, y का मान आ गया आपके पास, तो x का मान रख किसी भी समीकरण में रख के निकाल लेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या थी अपने पास, 3x-5y = 4, ये थी ना। अब y का मान क्या है अपने पास, -5/13, 3x-5×-5/13 = 4, 3x- और माइनस गुणा +5 और 5 25/13 = 4, इसको साइड लेके जाएंगे, 3x = 4 - 25/13, 4 × 1 ले लेंगे तो 3x = क्या आएगा, 13 LCM आएगा, 13×52 - 25, 3x = क्या आएगा, 25 में से अगर 52 में से 25 घटाओगे तो 27/13, 3 यहाँ पे गुणा में तो यहाँ पे आ जाएगा भाग में, तो 3 से कट जाएगा, 3×3 = 27 आ जाएगा ना, तो x = आएगा 9/13, ये आपका फाइनल आंसर। आपके क्वेश्चन हो गए 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 इसी का देखो, फोर्थ नंबर उतार लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद में बुक को यहाँ से हटा देंगे और फिर अपन क्वेश्चन करेंगे, x/2+2y/3 = -1, और इक्वेशन दूसरी है x-y/3 = 3। अब एक बार के लिए बुक को हटा देते हैं ताकि अपना जो भी रफ रजिस्टर या केयर रजिस्टर यहाँ पे आ जाए, और अब देखते
ये है अपनी समीकरण एक, ये है अपनी समीकरण दो। समीकरण अब आपको क्या करना है, समीकरण एक को यानी कि भिन्न में, साधारण भिन्न में अरेंज कर लेना है, साधारण भिन्न में अरेंज कर लेना है, कर लो। कैसे करोगे, इनका लेस ले लेंगे दो और तीन का, दो और तीन का लेस क्या आएगा भाई छह, तो छह में दो का भाग दोगे तीन आएगा, तीन को एक से गुणा करोगे तीन एक्स प्लस तीन को में छ का, तीन का भाग छह में दोगे दो आएगा, दो को तीन से गुणा, दो से गुणा करेंगे चार वाई आएगा बराबर माइनस एक। अभी छह को उस साइड भेज देंगे तो तीन एक्स प्लस चार वाई बराबर माइनस छ, माइनस एक गुणा छ माइनस छ, अरेंज होगी भी समीकरण ये आ गया अपने पास तीन। अब समीकरण दो को सरल कर लो, x माइनस वाई बाई थ्री बराबर थ्री। अब x के बट्टा में एक ले सकते हैं तो एक और तीन का लेस है तीन, तीन एक्स माइनस वाई बराबर तीन। अब इस तीन को साइड भेजेंगे तीन एक्स माइनस वाई बराबर तीन गुणा तीन बराबर नौ, ये आ गया अपने पास समीकरण है चार। अब समीकरण चार में से तीन को घटा दो, समीकरण चार से में से तीन को घटाने पर, बड़ी आसान है अभी विलोपनी भी, देखो दोनों समीकरणों के देखो पद समान है ना, तीन एक्स घटा दो, समीकरण चार तो चार ऊपर लिख देंगे, चार में से घटाना है तीन एक्स माइनस वाई बराबर नौ, तीन एक्स प्लस चार वाई बराबर माइनस छ, घटा दो चिन्ह चेंज कर दो, ये कट गए, ये माइनस 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 के पांच वाई बराबर नौ छ चौदह, वाई बराबर चौदह बटे माइनस पांच, वाई का मान क्या आएगा भाई माइनस नौ छह चौदह नहीं भी पंद्रह होते हैं, नौ छह पंद्रह हाँ हो जाता कभी कभी गलती, नौ छह पंद्रह, तो वाई बराबर पंद्रह बट्टे माइनस के पांच, पांच दियो पंद्रह, वाई बराबर क्या आएगा माइनस का तीन, अब वाई का मान आ गया आपके पास माइनस तीन, तो यहीं पे कहीं पे एक्स का मान, चलो यहीं पे कर लेते हैं एक्स का मान समीकरण तीन में रख दो, x का मान समीकरण तीन में किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण तीन में चार में एक में दो में किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण तीन में आपकी जैसी इच्छा हो उसमें रख लेना, अगर आपको कैलकुलेशन करने का मन कर रहा हो, अगर अच्छा लगता है आपको कैलकुलेशन करना तो किसी में भी रख देना भी। और वैसे इजी रहेगा कि जो अरेंज की हुई है अपन ने जो साधारण जो समीकरण लिखी है ना उनमें अगर आप लोग करोगे तो वो वाला ज्यादा इजी रहेगा। समीकरण तीन क्या थी, तीन एक्स प्लस चार वाई बराबर माइनस के छ, यही तो थी ना समीकरण तीन। अब इसमें एक्स का मान सॉरी वाई का मान रखा है भाई, वाई का मान रखने पर तीन एक्स प्लस चार इंटू माइनस तीन बराबर माइनस छ, तीन एक्स माइनस बारह बराबर माइनस के छ, तीन एक्स बराबर माइनस के छ प्लस के बारह, एक्स बराबर छ बटे तीन, एक्स बराबर क्या आएगा भाई दो, ये आपका आंसर है किससे, विलोपन विधि से। अब आपको करना है भाई प्रतिस्थापन विधि से, अब आपको विलोपन विधि से कर लिया, अब आपको प्रतिस्थापन विधि से, और प्रतिस्थापन विधि से जिसने सीख लिया पहले वाली प्रश्नावली में तो वो स्किप कर देना वीडियो का ये वाला पार्ट, बाकी अगर नहीं समझ में आया दोबारा से सीखना हो तो सीख सकते हो मेरे साथ साथ। प्रतिस्थापन विधि, तीन एक्स प्लस चार वाई बराबर माइनस छ, ये समीकरण एक है, तीन एक्स माइनस वाई बराबर नौ, ये समीकरण दो है,
यही आई थी ना आपके पास समीकरण। देखो इजी करने के बाद 3x समीकरण तीन, देखो 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6, और ये आई थी 3x माइनस वाई बराबर 9, ये समीकरण 4 आई थी। ये अरेंज करने के बाद यानी कि सही फॉर्म में लिखने के बाद आपको, या इनको हल करने के ऊपर यानी भिन्न को साधारण संख्या में बदलने के बाद आपके पास जो समीकरण आई उन्हीं को अपन रख रहे हैं। रखने को उनको भी रख सकते हैं लेकिन उनको फिर से सरल करना पड़ेगा। अब समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है, 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 6, 3x बराबर माइनस 6 माइनस 4y, x बराबर माइनस 6 माइनस 4y बटे 3, ये आ गई समीकरण तीन। अब समीकरण तीन का आपको पता ही है क्या करना है, समीकरण तीन का मान समीकरण दो में रखने पर, बड़ा ही आसान है। लेकिन ये अब आपको बोरिंग सी लग रही होगी प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि पढ़ने के बाद, और लगेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि वो विलोपन विधि है, वो ज्यादा आसान है। समीकरण दो में रख दो, तीन गुणा माइनस छ माइनस चार वाई बटे तीन माइनस वाई बराबर नौ, तीन से तीन कट गया, क्या बच गया भाई, माइनस छ माइनस चार वाई माइनस वाई बराबर नौ, और माइनस माइनस के वाई जुड़ के कितने हो जाएंगे भाई, माइनस के पांच वाई बराबर नौ, और ये माइनस का छह उस साइड जाके प्लस का छह, माइनस पांच वाई बराबर क्या हो गया नौ और छह पंद्रह, वाई बराबर क्या हो गया पंद्रह बट्टे माइनस के पांच, पांच का पांच पांच दियो पंद्रह, वाई बराबर क्या आएगा माइनस तीन, जैसा कि आपको विलोपन विधि से भी आया था। अब एक्स का मान आपको पता ही है, किसमें रखना है, समीकरण तीन में रखने से आ जाएगा ना, समीकरण तीन में वाई का मान रखने पर रख दो। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि प्रतिस्थापन विधि आपको पहले वाली प्रश्नावली में बता चुका हूं। एक्स बराबर माइनस छ माइनस चार वाई बटे तीन, एक्स बराबर आएगा भाई वाई का मान माइनस तीन है, माइनस छ माइनस चार इंटू माइनस तीन बटे तीन, एक्स बराबर आएगा माइनस और माइनस गुणा प्लस, माइनस तीन और माइनस चार का माइनस गुणा प्लस, और चार और तीन चार तिया बारह बटे तीन, एक्स बराबर आएगा माइनस के छह और प्लस के बारह, प्लस के छह बटे तीन, तीन का भाग दिया दो, एक्स बराबर क्या है भी अपने पास आंसर दो, यही आपके पास फाइनल आंसर है, यही आपका विलोपन विधि से भी आंसर था, यही आपका प्रतिस्थापन विधि से। पहला प्रश्न भाई आपका हो चुका है। अब इसके बाद आप देखो आगे प्रश्न नंबर दो। अब आपको फिर से भाषा के रूप में प्रश्न दिए, जैसा कि आपको प्रश्नावली 3.1 3.2 और 3.3 दोनों में दे रखी, यानी कि भाषा भाषा के रूप में आपको प्रश्न दे दिए, या फिर समीकरणों को भाषा के रूप में बदल दिया गया, या क्वेश्चन के रूप में आपको बदल दिया और उनको समीकरण के रूप में अरेंज करके आपको लिखना है, और वो कैसे लिखना है वो मैंने आपको पहले भी बताया, 3.1 में बताया, 3.2 में बताया, 3.3 में बताया, और अब फिर से 3.4 में भी बताने जा रहा हूं। यानी कि जो दिया है, यानी जो भी पहली छोटी छोटी लाइनों को पढ़ेंगे और उसके बाद जो भी अपने पास आएगा उसको लिखते चलेंगे समीकरण के रूप में। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, क्या कह रहा है वो लिख देना है, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है वो भी लिख देना है, वही करेंगे भाई। अब क्वेश्चन नंबर टू, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर टू, और टू में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे, देखो यदि हम, देखो निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह संख्या एक बट्टे दो हो जाती है। तो अब आपको भिन्न दिया है तो मान लेंगे, भिन्न दिया है तो अंश और हर होंगे, होंगे ना, होंगे अंश और हर होंगे, तो अब यहां पे मान लेंगे, माना एक बार के लिए बुक हटा दूं,
चलो थोड़ा सा ऊपर सरका लेते इसको। अब लिख लेना, माना माना अंश, अंश और हर है नहीं, अंश एक्स है और हर है माना हर बराबर वाई, तो वह भिन्न होगी। अंश हर है और अंश एक्स है और हर वाई है, तो वह भिन्न, तो वह भिन्न क्या होगी भाई, एक्स बट्टे वाई, एक्स बट्टे वाई। अब उसने क्या कहा आगे देखो, अब देखो क्या कह रहे हैं, यदि अंश में एक जोड़ दें, फर्स्ट कंडीशन कह रही है ना प्रश्नानुसार, बड़े ध्यान से सीखना है, अंश में एक जोड़ दें एक्स प्लस वन और वाई में से एक घटा दे, यानी हर में से एक घटा दे, तो भिन्न किसके बराबर हो जाएगी, एक में बदल जाएगी, यानी एक के बराबर हो जाएगी। लिख दिया जैसा उसने प्रश्न में लिखा, छोटी छोटी लाइनों को या छोटे छोटे शब्दों को पढ़ा उसकी को और उसको समीकरण के रूप में लिख दिया। अब प्रश्नानुसार अपन ने कर दिया, अब आपको क्या करना है, इसके बट्टे में एक मानना और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस एक को गुणा एक से बराबर में वाई माइनस एक का गुणा किससे, एक से, तो समीकरण क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वन बराबर एक्स माइनस सॉरी वाई माइनस वन। अब वाई को इस साइड लेंगे, एक्स माइनस वाई बराबर ये इस साइड जाके माइनस वन माइनस वन, एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा भाई, माइनस के दो, ये आ गई आपके पास समीकरण एक। अब समीकरण दो यहाँ पे बना लेते हैं, काफी जगह पड़ी है। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो, उससे आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, उससे आगे प्रश्न में कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ दें, यानी कि वाई के साथ एक जोड़ दें, तो क्या होगा भाई, वह भी नहीं एक बट्टा दो हो जाती है। सेकंड कंडीशन प्रश्नानुसार, एक्स बट्टे वाई, अब इसने क्या कहा, हर हाँ हर में एक जोड़ दे, यानी वाई में एक जोड़ दिया, तो भिन्न किसके बराबर हो जाएगी, एक बट्टे दो के। तो फिर से वही काम करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, वज्र गुणा एक्स गुणा दो, दो एक्स बराबर वाई प्लस एक गुणा एक, दो एक्स बराबर वाई प्लस एक, ये इसको इस साइड लेंगे, दो एक्स माइनस वाई बराबर एक, ये समीकरण क्या होगी भाई, दो। आपकी समीकरण दो निकल के आ गई ना, बड़ा ही आसान है। अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में अगर तोड़ते हुए अगर उनको पढ़ते चलोगे तो बड़ा ही आसान होगा आपको क्वेश्चन करना। समीकरण एक और समीकरण दो अपने पास आ चुकी है, इनको आगे उतार लेंगे। देखो आगे वाले पेज पे कर लेते हैं, समीकरण एक क्या, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस दो, ये तो है समीकरण एक, दो एक्स माइनस वाई बराबर है एक, ये समीकरण दो। अब विलोपन विधि से करना है भाई आपको, विलोपन विधि से आपको पता है भाई दोनों पद एक्स के पद समान करने हैं आपको, करने को तो वाई के भी कर सकते हो। अब आप लोग बोलोगे सर ये दोनों तो समान हैं भाई, ये तो बड़ा ही आसान हो गया ना, आपको तैयार किया वही मिल गया। अब घटा दोगे तो माइनस प्लस माइनस ये कट जाएंगे, एक्स का मान आ जाएगा, बड़ा ही आसान है, लेकिन थोड़ा कर लो जैसा करते चले आ रहे हो। चलो इसमें से घटा दो, विलोपन विधि से, अगर x को समान करना है तो समीकरण एक को किससे गुणा करोगे भाई, दो से, x के पद समान कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, दो एक्स ये हो जाएगा माइनस के दो वाई और ये हो जाएगा माइनस के चार, और दो एक्स है ये कट जाएगा, घटा दोगे तो। अब समीकरण एक से दो को घटाने पर जैसा आप लिखोगे वैसे ही करना है। चलो अब की बार y का घटा करके, y को विलुप्त करके x का मान निकाल लेते हैं इनसे, x माइनस वाई बराबर माइनस दो, दो एक्स माइनस वाई बराबर
एक घटा दो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये वाई से वाई कट गया, ये बच गया एक्स। देखो एक्स प्लस का एक है और वाई माइनस का, सॉरी एक्स माइनस का दो है, दो एक्स में से एक घटाओगे किसका बचेगा, माइनस एक्स, बराबर ये क्या आ जाएगा भाई, एक और एक, सॉरी एक और दो, तीन, तीन किसके, माइनस के, माइनस बराबर के दोनों साइड है तो कट गया, एक्स बराबर क्या आएगा भाई, तीन, ये आपका एक्स का मान आ गया, अगर वाई को विलुप्त किया तो। अब आपको समीकरण, किसी भी समीकरण, समीकरण एक में रख दें एक्स का मान, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रख दो एक्स माइनस वाई बराबर माइनस दो, तीन माइनस वाई बराबर माइनस दो, माइनस वाई बराबर माइनस तीन, माइनस सॉरी माइनस दो, माइनस ये प्लस का तीन है, माइनस का तीन, वाई बराबर क्या आएगा भाई, माइनस के पांच, माइनस वाई माइनस से माइनस कट गया, वाई बराबर क्या आएगा पांच, आ गया भाई, बड़ा ही आसान है। इसी प्रकार दूसरा दूसरा प्रश्न देखो, प्रश्न की भाषा को बड़ी ही आसानी से और ध्यान पूर्वक पढ़ना, अगर ध्यान से अगर आप लोगों ने पढ़ लिया एक बार, अगर प्रश्न समझ लिया तो आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि आपने ऐसे प्रश्न आपने 8वीं क्लास में पढ़े होंगे, 7वीं में भी पढ़े होंगे, और अब 9th में भी पढ़े होंगे, और अब 10th में पढ़ रहे, और 10th में तो इस प्रश्नावली में तो 3.1 में पढ़ा, 3.2 में भी पढ़ा, 3.3 में भी पढ़ा। जैसे 3.1 में वो प्रश्न था ना, जैकब और उसके पुत्र की आयु का, वैसे ही क्वेश्चन है। अब देखो दूसरा प्रश्न, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। अच्छा देखो भाई, इसमें वह भिन्न लिखनी थी, वह भिन्न क्या है, तो वह भिन्न अपन ने एक्स क्या माना था, अंश, एक्स बाई वाई थी ना अपनी, वो भिन्न, तो एक्स की जगह एक्स का मान रख देंगे, क्या आएगा 3/5 भाई, पहले वाले प्रश्न में वह भिन्न, उसका आंसर ये होगा 3/5, ये होगी भाई आपकी। अब देखो माना दूसरे प्रश्न को, माना नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु, मान लिया किसके बराबर, एक्स वर्ष, तो माना सोनू की आयु, सोनू की वर्तमान आयु कितनी है भाई, वाई मान लिया। अब उसने कहा है प्रश्न के अनुसार देखो, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु लिख देना भाई, प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्या होगी भाई बताओ, एक्स में से 5 घटा देंगे भाई, आज की जो एज है उसमें से 5 घटा देंगे तो 5 वर्ष पूर्व की आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अब यहां पे लिखना है नूरी की आयु, नूरी की आयु एक्स माइनस 5 और सोनू की आयु वाई माइनस 5। आगे भी अब इसने क्या कहा, देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी नूरी की आयु सोनू की आयु से अधिक थी, अधिक थी, तो दोनों को बराबर लिख लेना, एक्स माइनस 5 बराबर y-5, जिससे आपको करने में आसानी होगी। अब ज्यादा किसकी है, नूरी की, तो गुणा किससे करोगे, सोनू को,
क्योंकि उसकी कम है, उसको भी उसके बराबर लेके आना है, तो सोनू से गुणा कर दोगे, सोनू से गुणा कर देंगे तो अपने पास समीकरण आ जाएगी x माइनस 5 बराबर 3 y माइनस 15। अब इस y को इस साइड ले आओ और माइनस 5 को उस साइड ले आओ, x माइनस 3 y बराबर माइनस 15 प्लस के 5, x माइनस 3 y बराबर आएगा माइनस के 10। समीकरण बन गई आपके पास एक। अब दूसरी कंडीशन से समीकरण दो बना लो, यहां पे लिख देता हूं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखो क्या कह रहा है प्रश्न में, 10 वर्ष पश्चात, तो यहां पे लिख देना है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 10 वर्ष बाद दोनों की आयु 10 वर्ष पश्चात पूछिए, तो नूरी की आयु कितनी होगी भाई, x प्लस 10, और सोनू की आयु y प्लस 10। अब उसने क्या कहा, ध्यान से पढ़ना, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दो गुनी हो जाएगी, नूरी की आयु सोनू की आयु से ज्यादा ही हो जाएगी ना। अब देखो x प्लस 10 बराबर y प्लस 10 किससे गुणा करोगे, 10 वर्ष बाद 2 से, क्योंकि दो गुनी हो जाएगी। पक्षांतरण करके लिख देना है x प्लस 10 बराबर 2y प्लस में 20। अब y को इस साइड ले आओ, x माइनस 2y बराबर के उस साइड 10 जाएगा, माइनस का 2 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर में 10। समीकरण आ गया आपके पास 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 क्या है आपके पास, x माइनस 3y बराबर माइनस, समीकरण 2 क्या, x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर विलोपन विधि से x के पद समान मिल रहे ना, x के पद समान मिल रहे हैं तो कर दो विलोपन विधि से, विलोपन विधि से समीकरण 1 से, एक से घटाना है दो को, एक से दो को घटाने पर घटा दो भाई, एक्स माइनस 3y बराबर माइनस 10, ये समीकरण एक है, एक्स माइनस 2y बराबर 10 घटा दो, माइनस प्लस माइनस, एक्स से एक्स घट गया और ये माइनस का 3y है प्लस का 2y है, तो किसका बचेगा, माइनस y बराबर क्या आएगा भाई आपके पास, माइनस और माइनस, माइनस के 20, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर क्या आएगा भाई 20 बराबर, ये माइनस आप लोग बोलोगे कि कैसे कट गया सर, कट गया कैसे, बराबर के दोनों साइड है तो कट जाते हैं कि नहीं, या फिर इस माइनस के साथ एक गुणा में तो इस साइड लेके आएंगे, भाग में ये गुणा में ये भाग में आ जाएगा, फिर माइनस से माइनस कट जाएगा। अब y का मान, y का मान कैसे निकालोगे, y का मान आ गया तो x का मान कैसे निकालोगे, वो यहाँ पे कर लेते हैं, x का मान किसी भी समीकरण में y का मान रखने से आ जाएगा, y का मान समीकरण एक में रखने पर रख दो भी, समीकरण एक क्या थी अपने पास, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3 गुणा में 20 बराबर माइनस के 10, x माइनस 60 बराबर माइनस 10, x बराबर माइनस 10 प्लस के 60, प्लस के 60 माइनस के उस साइड से आए, माइनस का था उस साइड तो इस साइड जाके प्लस का हो जाए, x बराबर आएगा भाई 50, ये आपका आंसर। x किसकी आयु मानी थी अपन ने, नूरी की, तो नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु कितनी है भाई 50 वर्ष, और सोनू की
वर्तमान आयु वाई बराबर मानी थी तो वाई कितना है 20 वर्ष, ये आपका आंसर। अब देखो प्रश्न संख्या 3, दिखने को बड़े आसान दिखेंगे लेकिन पासा को अगर आप इक्वेशन में बदलोगे तो आपको कठिनाई उठानी पड़ेगी। थोड़ा सा अगर ध्यान देखो, अगर प्रश्न की भाषा को पढ़ लोगे और भाषा को अगर एक बार पकड़ गए तो उसके बाद में गलतियां नहीं होंगी। अब देखो, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब आपको सबसे पहले संख्या का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब संख्या कैसे, दो अंकों की संख्या दी है, दो अंकों की संख्या कुछ भी हो सकती है, जैसे 25, 15, 20, 30, 35, 81, 88, 89, 90, 91, 99, 98, कुछ भी हो सकती है बोलने को। अब उसने दो अंकों की संख्या बताई, यानी कि इकाई और दहाई होगा, ठीक है। मान लो एग्जांपल के लिए आपको मैं बता दूं 4 और 5 45 ही है ना, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया ना, इसके अंकों को बदलेंगे तो क्या आएगा 54 हो जाएगा ना। अब ये एक्स उस साइड चला गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया ना। अब देखो इस संख्या को 45 है, 45 है। अब अगर इस संख्या को विस्तारित रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 5 गुना में 1 इकाई है, इकाई है। अब ये दाई है तो इसको अगर 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। अब 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे जोड़ेंगे तो। अब अगर इसका विस्तारित रूप लिखना है तो 4 को किससे गुणा करेंगे, 10 बराबर क्या आएगा 40, 40 प्लस 5 बराबर क्या जाएगा 45 आगे आपके पास, यानी कि दहाई का अंक अगर जो दिया है उसको किससे गुणा करेंगे 10 से। इसी प्रकार स्थानीय मान देखे होंगे ना आपने, स्थानीय मान तो पढ़े होंगे, प्लेस वैल्यू पढ़ी होगी आपने, तो वही प्लेस वैल्यू यहाँ पे काम आ रही, जो पहली में नहीं तो भाई दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्लास से आपको पढ़ना स्टार्ट हो जाते वही। अब देखो माना ये दहाई का अंक लिया था, चलो एक्स पहले लिया था ये ले लेते हैं, तो माना दहाई का अंक बराबर एक्स, माना इकाई का अंक वाई। अब आपको देखो ध्यान से पढ़ना, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी अंक ये हो गए दोनों एक्स और वाई हो गए ना, जैसे कि 45 का आपको एग्जांपल दिया था 45 का, तो दोनों अंकों के दोनों को अंकों का योग एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 9, समीकरण 1 बन के आ गई ना आपके पास आ गई। अब देखो एक्स और वाई से संख्या बना के लिख लो, यहां पे लिख दूं वह संख्या, यानी इकाई का अंक वाई है और दहाई का अंक एक्स है, तो क्या होगा, दहाई के अंक को किससे गुणा, किस में जोड़ेंगे या किससे गुणा करेंगे 10 से, तो दहाई का अंक 10 गुणा x 10x, उसमें इकाई का अंक जोड़ देंगे प्लस वाई, तो ये तो हो जाएगी आपकी वह संख्या। और अंकों का स्थान बदलने पर, स्थान बदल दो भाई, यानी कि वाई के साथ गुणा हो जाएगा वाई 10y प्लस इकाई का अंक फिर क्या हो जाएगा x, तो 10y प्लस x स्थान बदलने पर संख्या ये आ जाएगी और प्राप्त संख्या ये है 10x प्लस वाई। अब देखो समीकरण एक आ गई आपके पास, अब आगे उसने कहा है, क्या कहा है प्रश्न के अनुसार देखना है, इस संख्या का यानी कि यह है संख्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग संख्या क्या है 10x प्लस वाई,
यानी मान लिया अपन ने इकाई का अंक वाई दाई का अंक एक्स है, तो इस संख्या से संख्या का अनुगुणा यानी कि 10x प्लस वाई का गुणा किससे? 9 से। अब आगे देखो, अंकों की संख्या, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अंकों या संख्या के अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या क्या है भाई? 10y प्लस एक्स, और इसका कितना है? 2 गुना है। अब इनको कर लोगे, बड़ा ही आसान है, अब तो कर ही लोगे। 90x प्लस 9y इज इक्वल 20y प्लस 2x। ये दोनों देखो, दोनों तरफ कोई भी नियतांक नहीं है, कोई भी अचर नहीं है, चर ही है सारे, तो स्थान बदल के लिख दो भी। एक्स के पद एक्स की साइड, वाई के पद वाई की साइड। 90x माइनस 2y बराबर 20y माइनस 9y, ये कितना बच गया भाई? 88x बराबर 11y। यहां तक अगर किसी को समझ में नहीं भी आया हो तो पीछे एक बार फिर से थोड़ा सा रिवर्स करके या फिर इस प्रश्न को दोबारा से पढ़ के आप लोग ये इक्वेशन बना लेना। अब x का मान निकालना, x बराबर 11y बट्टे 88। 11 में 8 का भाग दे देंगे, 8 11 का 11, x बराबर क्या आ जाएगा? y बट्टे 8। ये आ गया आपके पास x का मान। अब इसको अगर और सरल करेंगे तो क्या आएगा? x बराबर y बट्टे 8 को अगर और सरल करेंगे तो 8 भाग में तो इस साइड जाके गुणा में जाए, 8x बराबर y आ जाएगा। अब इसको समीकरण के रूप में, अपने पास समीकरण एक ही आई थी अब तक, अब समीकरण दो भी तो चाहिए ना अपन को, तो क्या करेंगे? 8x माइनस वाई बराबर 0, ये समीकरण दो बन गई। अब समीकरण दो बन गई, समीकरण एक और दो में देख लो, x के पद समान करने हैं आपको। समीकरण, तब समीकरण एक को किससे गुणा करोगे? समीकरण दो में x का पद क्या है? 8x है, और इसमें x का पद अकेला है। समीकरण एक को 8 से गुणा करने पर, क्या आएगा भाई? 8x प्लस 8y बराबर 9 बटे 72। ये आ गया भाई समीकरण 3। समीकरण 3 आ गई, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 है 8x माइनस प्लस 8y बराबर 72, 8x माइनस वाई बराबर 0 कटा दो भाई, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, इससे ये कट गया, और ये 9y बराबर 72, वाई बराबर आएगा 72 बटे 9, 9 से 72 कट गया, वाई बराबर क्या आएगा आपके पास? आंसर 8। अब ये y का मान आ गया, तो आप x का भी निकाल सकते हो, और वो कैसे? समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में y का मान रखने पर, रख दो भाई। समीकरण एक क्या थी? x प्लस वाई बराबर 9। अब x प्लस 8 बराबर 9, x बराबर क्या आएगा? 9 माइनस 8, x बराबर क्या आएगा भाई आपका? अब आपको अंक प्राप्त हो गए, इकाई का अंक क्या था? वाई। दाई का अंक क्या था? क्या था भाई? एक। तो वह संख्या देखो, वह संख्या दी हुई संख्या क्या थी? 10x प्लस वाई, यही थी ना, 10x प्लस वाई यही थी। इकाई का अंक क्या था? वाई था। दाई का अंक
तो लिख दो एक्स की जगह, एक्स का मान रख दो वाई की जगह वाई का, 10 गुना 1 प्लस 8 बराबर क्या आएगा भाई, 10 प्लस 8 बराबर, तो वह संख्या ये आपका आंसर। वो संख्या क्या थी भाई, 18 थी। अब प्रश्न संख्या 4, और जिसको भी अगर वीडियो पसंद आए या आप समझ में अच्छे से आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है मेरे वीडियो से तो आप अपने दोस्तों को या अपने सहपाठियों को भी बताएं इसके बारे में, ताकि उनका भी बेस मजबूत हो और अपना परीक्षा में वो अच्छे से रिजल्ट अपना प्रदर्शित कर सके। और समीकरण क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, दूसरे का, मीना, मीना 2000 रुपए निकलवाने के लिए बैंक गई। मीना के अकाउंट में पता नहीं भी कितने कितने भी हो सकते हैं, वो 2000 रुपए निकलवाने के लिए बैंक में गई। उसने कैशियर से खजांची होता है कैशियर, कैशियर से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट लेने के लिए कहा। यानी मीना ने कहा कि सर मेरे को 50 और 100 रुपए के नोट ही देना। मीना ने कुल नोट कितने प्राप्त किए, 25। मीना को कैशियर ने 25 नोट दिए, जो दिए 50 और 100 के ही नोट। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के नोट कितने प्राप्त किए। अब आपके पास 50 रुपए के नोट की संख्या नहीं है, नहीं है कितने, 100 रुपए के नोट की भी संख्या नहीं है, तो आप क्या करते हैं, जो करते हैं वही करेंगे। माना 50 रुपए के नोट बराबर x, तो उसी प्रकार माना 100 रुपए के नोट y। अब प्रश्नानुसार पहली समीकरण तो आई जाएगी, x प्लस वाई कुल नोट कितने प्राप्त किए भाई उसने, 25। तो ये समीकरण 1 आ गई आपके पास, आ गई ना। अब देखो 50 रुपए के नोट x नोट है, तो 50 रुपए के नोट से बनी कुल राशि कितनी होगी, 50 रुपए के x नोट है तो 50x होगी। तो 50 रुपए के नोट की राशि यानी रुपए कितने होंगे, 50x, और 100 रुपए के नोट की राशि 100y, यही होगी भाई। अब उसने बताया कि कुल रुपए उसने कितने लिए, 2000 रुपए निकलवाने गई, वो कितने रुपए निकलवाने गई, 2000 रुपए। अब आपको पता है भाई 50x रुपए है, 100x रुपए है, और वो किसके बराबर है, 2000 के, दोनों जोड़ देना, 50x प्लस 100y बराबर 2000। ये आपके पास आगे समीकरण 2। अब आपको पता है विलोपन विधि में क्या करते हैं भाई, x के पद समान करने है। तो समीकरण 2 में x का पद क्या है, 50x, समीकरण 1 में x है, तो समीकरण 1 को किससे गुणा करोगे, तो समीकरण 1 को 50 से गुणा करोगे, 50 से गुणा करने पर कर दो भाई, 50x प्लस 50y बराबर 25 गुना 50, 25 50 125, और 10 ये आ गई भाई समीकरण 1। अब आपको करना क्या है, वही घटा देना है भाई, बड़ा ही आसान है, घटा देना विलोपन विधि से। विलोपन विधि से समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाने पर घटा दो भी, समीकरण 2 है वो लिख दो, 50x माइनस 100y प्लस 100y बराबर 2000, और समीकरण 3 क्या है, 50x प्लस 50y बराबर 1250। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज कर देंगे भाई, इससे ये कट गया, ये बचेगा भाई माइनस के 40y,
पचास है भाई, 40 कैसे, 100 प्लस के 50 बचेंगे भाई, 100 है प्लस के 50, यहाँ पे मैंने 10 लिखा ना इस वजह से, प्लस के 50 वाई बराबर 1250, 0 5, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 750। अब वाई बराबर क्या आएगा भाई, 750 बटे 50, 0 से 0 15 पाँच 75, 15 वाई बराबर क्या आएगा भाई, 15। वाई का मान आपके पास आ गया 15, यानी कि वाई क्या प्राप्त हुआ अपने पास, वाई क्या माना था, 100 रुपए के नोट। अब एक्स का मान ज्ञात कर सकते हो, वाई का मान आ गया, तो वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, रख दो समीकरण एक में, समीकरण एक क्या, एक्स प्लस वाई बराबर 25। अब वाई यानी कि 100 रुपए के नोट प्लस में 15 बराबर में 25, एक्स बराबर क्या आएगा, 25 माइनस 15, एक्स बराबर 25 में से 15 घटाएंगे 10, ये एक्स आ गया। अब एक्स आपने क्या माना था, 50 रुपए के नोट, तो यहाँ पे लिख देना है 50 रुपए के नोट होंगे 10, और वाई आपने क्या माना था, 100 रुपए, 100 रुपए के नोट होंगे 15, और उसने कुल नोट कितने प्राप्त किए थे, 10 और 15 25, क्वेश्चन में भी यही दिया है, 25 नोट प्राप्त किए थे। ये हो गया भाई क्वेश्चन आपका फोर्थ। अब क्वेश्चन नंबर एक और बचा है शायद, देख लेते हैं आगे और है क्या, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एक और बचा है, बड़ा ही आसान प्रश्न है। देखो ध्यान से पढ़ो, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय को, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा की, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको कुछ याद आ रहा होगा, पीछे वाली प्रश्नावली में या इससे पीछे वाली प्रश्नावली, वो टैक्सी वाला अपन ने पढ़ा था कि जिसका फिक्स चार्ज अलग है, यानी टैक्सी का भाड़ा नियत भाड़ा एक है, उसके अतिरिक्त अगर वो जितना भी किलोमीटर चलेगा तो उसको उस पर किलोमीटर का चार्ज भी एक्स्ट्रा देना होगा, तो वही इस क्वेश्चन में करना है। नियत भाड़ा दिया है, नियत किराया दिया है, और उसके बाद में पर डे का चार्ज अलग से, इसमें 3 दिन का फिक्स दे दिया, यानी 3 दिन तक तो आप रखोगे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रखोगे, और उसके बाद में अगर रखना है तो आपको पैसे चार्ज करने पड़ेंगे। अब देखो मान लो कोई भी गया, मान लो मैं ही गया किसी पुस्तकालय कि भाई मेरे को पुस्तक चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा, पुस्तक तो ले जाओ लेकिन उसकी कुछ शर्त है वो सुनते जाओ। उसकी शर्त क्या थी कि पहले 3 दिन लेके जाओगे तो ये चार्ज ही आपको देना पड़ेगा, मान लो कि 2 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 पैसे या 100 रुपये, कुछ भी चार्ज है, 3 दिन का तो एक फिक्स चार्ज है। अगर 3 दिन के अलावा अगर आप लोग 4 दिन रखते हो, 5 दिन रखता हूँ या 6 दिन रखता हूँ, 7 दिन रखता हूँ, तो आपको पर डे का कुछ चार्ज और देना होगा। तो आपके पास कोई भी चार्ज नहीं है, स्थायी शुल्क का भी नहीं पता और पर डे चार्ज का भी नहीं पता, तो मान लेंगे भी, तो माना माना स्थाई शुल्क या फिर स्थाई किराया या फिर नियत किराया बराबर क्या है भाई, एक्स रुपए, और प्रतिदिन प्रत्येक अतिरिक्त दिन, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया वाई रुपए। अब मानने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग चलो, यानी कि प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है वो देखो, प्रश्न कह रहा है भाई देखो,
पुस्तकालय प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त का एक अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए ₹27 दिए, यानी कि उसने कितना दिया, फिक्स तो दिया ही दिया, प्लस में प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त दिया, यानी कि अतिरिक्त दिन कितने हुए, 3 दिन उसने, भाई 3 दिन का तो फिक्स है ही, उसके बाद चार चार दिन और बच गए, 7 में से 3 घटाओगे 4 बच गए, तो 4 दिन का किराया होगा 4y प्लस में 4y बराबर कितना हुआ 27। ये समीकरण 1 बन गई। अब फर्स्ट कंडीशन होगी, सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखी, यानी एक्स तो दिया ही दिया, अब 5 में से 3 दिन का तो ये हो गया, प्लस 2 दिन और बच गए 2y बराबर कितने दिए, भाई उसने ₹21 अदा किए। समीकरण 2 आ गई, समीकरण 2 आ गई, आपको x के पद समान कर लेना है विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से x के मान समान पहले से करके दे रखे हैं, तो लिख दो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर घटा दो। समीकरण 1 क्या है, x+4y बराबर 27, x+2y बराबर 21, घटाएंगे तो आपको पता है चेंज चेंज हो जाएंगे, x से x कट गया, माइनस का 2y है, प्लस का 4y, किसका बचेगा, प्लस का 2y बराबर माइनस का 21 प्लस का 27 प्लस के 6y बराबर क्या आएगा, 6/3, 3 दुनी सॉरी 3 2 2 आएगा भाई, 2 गुना में 2 3 6y बराबर क्या आएगा 3y का मान आपके पास आ गया 3, यानी कि पर डे अतिरिक्त, यानी प्रत्येक अतिरिक्त यानी 3 दिन के अलावा जो भी दिन थे उनके लिए 1 दिन के लिए कितना देना पड़ेगा, ₹3। अब x का मान आसानी से निकाल सकते हो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x+4y बराबर 27, x+4 × 3 = 27, x = 4 × 3 = 12, उस साइड हो जाएगा 27 − 12, x बराबर आ जाएगा 5 और 1, x बराबर क्या आएगा भाई आपका 15, यही आपका आंसर है। अब स्थाई शुल्क या स्थाई भाड़ा या फिर नियत भाड़ा, नियत भाड़ा अपन ने क्या माना था, x, x बराबर क्या आया 15, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया कितना है भाई, y माना था अपन ने, y बराबर क्या है 3, यही आपको अतिरिक्त दिन का किराया, ये आपकी हो गई प्रश्नावली 3.4 कंप्लीट। वीडियो काफी लंबा हो गया लेकिन आपको जल्दी जल्दी मैंने आपको करवाया, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि आपको आती है, आपको मैंने पहले भी करवा चुका हूं, अब इससे आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे वज्रगुणन विधि। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, अगर किसी को कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट अगर अब भी रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, लाइक करना मत भूलना। चलो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।